हे hey गाइस, आज हम दक्षिण भारत के गांवों के एक बहुत ही अनोखे देवता को देखने जा रहे हैं घोड़े पर बैठी इस आकृति को अयनार के नाम से जाना जाता है और इसे गांव के लोगों का रक्षक माना जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं वह एक आकर्षक हेड ड्रेस के साथ एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में चाकू पकड़े हुए काफी उग्र लग रहे हैं देखिए उनका पैर कहाँ है यह उनके एक अंगरक्षक के सिर पर टिका हुआ है यह अंगरक्षक के देवता अयनार के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है इस प्रकार के चित्र गावों में आम हैं, जहां देवता पूर्ण शक्ति के प्रतीक हैं। मजे की बात यह है कि उनके सामने दो कुत्ते भी हैं। देखिए भी कितने उग्र दिखते हैं और यहाँ तक कि इनकी त्वचा भी लगभग ऐसी दिखती है जैसे उन्होंने बहुत सारी लड़ाई देखी हो इस देवता को आमतौर पर पुरुष की एक बहुत ही मर्दाना आकृति के रूप में चित्रित किया जाता है मुख्य देवता पुरुष हैं, जिनकी बड़ी मुछे हैं और उनके दोनों अंगरक्षक उनके कुत्ते भी नर हैं और उनके घोड़े भी यह स्पार्टन्स की एक टीम की तरह लड़ाई और युद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण का एक विशिष्ट प्रतीक है मजे की बात यह है, है कि आय को कुछ अन्य भागों में अयपन के नाम से भी जाना जाता है और आमतौर पर महिलाओं को इस प्रतिमा को छूने या उनके मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है प्राचीन मूर्तियों में को उनके घुटने पर योगपट के नाम से जाने जाने वाले बैंड के साथ दिखाया जाता है आमतौर पर इस के सामने एक त्रिशूल रखा जाता है अयनार मंदिर आमतौर पर गाँवों की परिधि या सीमाओं पर स्थित होते हैं यह मूर्ति संभवतः लगभग पंद्रह फीट लंबी है लेकिन आईएनआर की इससे भी बड़ी मूर्तियां अन्य गांवों में स्थापित हैं। आईएनआर की आकृतियाँ भारत और श्रीलंका के बाहर भी देखी जाती हैं। हाल ही में हुई खुदाई से पता चला है कि आईएनआर की पूजा अन्य एशियाई देशों में भी की जाती थी कई टेराकोटा आईएनआर आकृतियां खुदाई में पाई गई हैं। कुछ मंदिरों में उन्हें चाकू की जगह मुड़ी हुई छड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है इस हथियार को प्राचीन तमिल भाषा में चेंडू कहा जाता है यह एक चाबुक जैसा हथियार है इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में उसके नीचे कई हिंदू देवताओं और संतों के चित्रण हैं। यह दिखाने के लिए कि वह सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। अन्य मंदिरों में उन्हें अन्य देवताओं के संरक्षक के रूप में दिखाया गया है तो इस देवता की उत्पत्ति क्या है माना जाता है कि वह एक वास्तविक व्यक्ति थे जो कैलाश पर्वत से आए थे पवित्र पर्वत जिसे भगवान शिव का घर माना जाता है उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और दक्षिण भारत के गांवों की रक्षा की आज भी कई ग्रामीण हैं जो उन्हें मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं इन ग्राम समूहों को कभी कभी अयनार पंथ के रूप में जाना जाता है उनके रीति रिवाज अन्य हिंदू रीति रिवाजों से काफी अलग हैं कभी कभी वे एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे अचेत अवस्था में पहुंचा देते हैं तब यह व्यक्ति इस देवता का धारक बन जाता है और भविष्य के बारे में सवालों के जवाब देने में सक्षम हो जाता है या यहाँ तक कि मरे हुए इंसानों से भी बात कर सकता है मुझे आशा है कि आपको ये अनोखे ग्राम देवता पसंद आए होंगे मैं प्रेन मोहन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटे के बटन को भी क्लिक करें कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा बाय